वेलकम बैक टू माय ट्यूशन पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र फिजिकल एजुकेशन फूड एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 100 में से यदि आप 30 क्वेश्चन करके आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो वही मैं बात करने वाला हूँ एमसीक्यू क्वेश्चनों की, स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन की। एजुकेशन का जो पेपर है एजुकेशन वाला, फिजिकल एजुकेशन का आप देख रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं चाहे बीए के हो, बीएससी को, बीकॉम के हो, पेपर सेम टू सेम ऐसा ही बनता है। में कोई शंका की मत नहीं है। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सबका पेपर एग्जाम होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये हमने पार्ट दो पहले से अपलोड कर रखे हैं, अब ये है पार्ट तीन। पार्ट तीन है वीडियो का, ये पार्ट तीन है बेटा वीडियो का, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको देखो, यहाँ हमें चार यूनिट पार्ट वन तक हमने पार्ट वन में सेक्शन ए को पूरा कवर किया, सेक्शन बी में हमने चार यूनिट कवर किया और सेक्शन सी जो हमारा दो रहने वाला है मतलब पार्ट थ्री रहने वाला है, ये हमारा पार्ट थ्री है। इसमें हम जैसे चोट जो लग जाती है, डूबना, ठीक है, जलना, ये बिजली का झटका लग जाने पर आपको कैसे कैसे चिकित्सा कर सकते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट वीडियो बन रही, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं बेटा। पहला देखो क्वेश्चन आपके सामने, जो क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुए वही क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी कुछ देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक क्वेश्चन याद करके आप 85% प्लस ला सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं आप हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलो देखो ये पहला दे रखा है फास्ट। फास्ट ऐड शब्द का देखो वो शब्द को शामिल कह सकते हैं शासकीय रूप कब मिला था, मतलब जो फास्ट एक्ट जो था, ऐड जिसे कहते हैं फास्ट ऐड था, उसको जो शासकीय रूप मिला था वो कब मिला था। तो आप ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट तो नहीं है, फिलहाल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ 1879 मिला था। उसके बाद में देखो सबलेक्शन चोट किससे संबंधित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबलेक्शन चोट होती है वो किससे संबंधित होती है, त्वचा में, त्वचा में एक चोट लग जाती है सबलेक्शन चोट। एक है एब्रेशन चोट, कहाँ पर होती है, ठीक है। एब्रेशन चोट की बात करें ये भी त्वचा में लगती है, एब्रेशन चोट के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ देखिए कुछ है, सांप काटने के प्राथमिक उपचार कौन कौन से है। आप सांप काट लेता है तो आप कैसे उपचार करना चाहिए, तो उपरोक्त सभी उपचार करिए। पहले जख्म को कह सकते हैं, ठीक है, बिना उसको धोकर पोछना, मतलब आप धोगे नहीं यदि किसी सांप ने काटा है तो बिना धोए उसको पोछना है। और कह रहा है मरीज को शांत रखने की चेष्टा देना, मतलब तुम शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कहो। अब वो तेज मतलब कि ज़्यादा उसका जो घबराया जाएगा तो ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, जिससे क्या हुआ ब्लड क्या हो जाएगा भैया, थक जाएगा, जम जाएगा बॉडी में। तुरंत एंटीवेजन टीके का व्यवस्था करना, तो जो एंटीवेनम एक टीका होता है उसका व्यवस्था कर दीजिए तुरंत, तो आपसे क्या होगा सांप यदि काटता है तो, ठीक है, इस बात का रखिए बेईमान। तो एंटीवेनम टीके का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में यहाँ देखो छठा क्वेश्चन बोला गया है कि व्यक्ति को पानी में डूबने पर किस विधि का उपयोग करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो आप किस तरीके से बचाएंगे। तो पेट के बल लिटाकर पानी निकालेंगे, आपको उसको पेट के बल लिटालेंगे और पानी निकालेंगे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, देखो कृमिक श्वसन देने की विधि क्या होती है, दो है, दो विधि होती है। चलो यहाँ बोला गया है कितनी विधि होती है, दो विधि होती है। वो देखा रहा है उंगली की चोट में बैंडेड का प्रयोग किया जाता है, तो उंगली की चोट में बैंडेड कौन से बैंडेड का प्रयोग किया जाता है, तो जो बैंडेड का नाम आपको बताना है वो है रोलर बैंडेड, बैंडेज बोलते हैं, ठीक है, तो रोलर बैंडेज का प्रयोग करते हैं। जो बैंडेड है ना बैंडेड दे दो बोलते हैं ना, बैंडेज बोला जाता है, बैंडेज मतलब कि रोलर जो बैंडेज होता है उसका उंगली में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है प्राथमिक चिकित्सालय आवश्यक होते हैं, सभी के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो अध्यापक हो, माता पिता के लिए, विद्यार्थी के लिए, सभी के लिए आवश्यक होता है प्राथमिक चिकित्सालय। प्राथमिक चिकित्सालय कहलाता है, क्या कहलाता है प्राथमिक चिकित्सालय बताइए, तो आपको क्या डॉक्टर से या डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही चिकित्सालय, मतलब डॉक्टर से मतलब यदि आप डॉक्टर से पहले कहीं देखो आप क्या करते हैं बुखार आता है तो हम लोग एक बार खुद अपनी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दवाई होती है जैसे कि देसी दवाइयों के नुस्खा का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वही कह रहा है प्राथमिक चिकित्सालय कहलाता है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले की गई जो चिकित्सा होती है, जो हम खुद अपने आप चिकित्सा कहलाती है वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। कुछ भी हमें फोड़े खुंचे निकल आती है तो हम खुद देखते हैं आगे कैसे करें, क्या करें, साफ कैसे करें, ये मतलब बहुत खुद अपने आप जो करके देखते हैं। उसके बाद में सही नहीं होती तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वही वो प्राथमिक चिकित्सालय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पहुंचा गया है मोच, ठीक है, शरीर का शरीर पर होता है मोच, कहाँ होता है, अब जोड़ों में, जोड़ों में बेटा मोच होता है। मोच जब भी होता है तो पैर के जोड़ वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ मोच आ जाती है। बाकी यहाँ कुछ नहीं देखेंगे, शरीर देखो यहाँ कह रहा है शरीर दर्द को कम करने के लिए इनमें से कौन सा उपचार करना चाहिए, तो आप जानते हैं सोना वान, जो सोना बात होता है सोना बात करना चाहिए सिर के दर्द कम करने के लिए, तो सोना बात करिए। तो यहाँ देखिए जो सर्प जहरीले नहीं होते उसके
दंश के निशान होते हैं, जो दंश जहरीले नहीं होते, अंग्रेजी के डी आकार के होते हैं, अंग्रेजी के डी आकार के होते हैं, जो जहरीले नहीं होते हैं, जो सांप जहरीले नहीं होते उसके डी आकार के होते हैं दांत के। तो यह बोला गया है तो करें, सांप के जहर को फैलने से रोकने के लिए उचित उपचार क्या होगा? तो कह रहा है घाव के पास कसकर पट्टी बांधना। ये क्या होगा, यदि आप घास, यदि कोई घाव है जहां सांप ने काटा है उसे कसकर बांध दीजिए, तो वो क्या होगा, वो हमको फैलेगा नहीं, उसका जहर है वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो आपको यहाँ बोला गया है। आप ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, फालतू वाले को नहीं पढ़ेंगे, बाकी मैं अपने नोट्स को हमारे डाउनलोड कर लेते हैं तो आप पढ़ सकते हैं खुद से। मैं यही कह सकता हूँ कि आपको जो मैं तीन पार्ट इसके प्रोवाइड कराएं, वहीं से क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, कुछ फालतू नहीं आएगा। यहाँ बोला गया है चूषण क्रिया किया जाता है, तो चूषण किया जाता है किसमें, तो आप कह रहे हैं सांप के काटने में, ठीक है, चूषण चूषण किया जाता है वो सांप के काटने में किया जाता है। सांप के काटने पर क्रिया किया जाएगा, तो सांप के काटने पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ देखो ऑप्शन तो हटा रखे हैं, तो इसको मत हम नहीं देख पाएंगे, तो खत्म करो, चूषण ही होगा इसका, सांप काटने की प्रक्रिया किया जाएगा, तो चूषण चूषण किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ बोला गया है देखो फर्स्ट एड, मतलब कि फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा, मैंने बोला था शब्द को पहली बार किसने अपनाया गया, तो किसके द्वारा अपनाया गया था, सबसे पहले किसने अपनाया था ये, कि प्राथमिक चिकित्सालय घर पे करो खुद से करो, वो कहा था सेट जॉन एल्वुलेज, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हेमोटोमा क्या है, हेमोटोमा क्या है, चोट से संबंधित होता है हेमोटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्राथमिक उपचार का कह सकते हैं सिद्धांत होता है, उपरोक्त सभी होते हैं जीवन, ठीक है, खतरे से बाहर आना, बाहर करना, और तुरंत उपचार, और साथ ही साथ डॉक्टर का प्रबंध, ये चीज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्यक्ति जल जाता है, व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति जल जाता है, तो जब व्यक्ति को जल जाता है तो गर्म चाय से जल जाए, बिजली के लगने से, या फिर कह सकते हैं जले कोलतार से जल जाता है, तो उसके बारे में कई चीज़ें जल सकता है। व्यक्ति झुलस जाता है, व्यक्ति किससे झुलस जाता है, तो आपको भाप से झुलसेगा, किससे, भाप से, जल किससे जाएगा, गर्म चाय से, ठीक है, या फिर जलते हुए कह सकते हैं कोल तार से जल जाएगा वो व्यक्ति, और बिजली के लगने से जल जाता है। चलो यहाँ बोला गया है चोटिक स्थान पर ठंडा जल और गर्म जल बार बार, कह रहा है बारी बारी से करने को कहते हैं, यदि मतलब कोई चोटल स्थान है उस पर जल और गर्म, देखो ठंडा और गर्म जल दो बार बारी से करने को कहते हैं, उसको बोलते हैं कंटोस्ट बाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ बोला गया है, ये देख लेते हैं एक बार, क्या दुबार उपाय, यदि किसी सांप व्यक्ति को काटता है तो आप उस व्यक्ति को क्या प्राथमिक उपचार देंगे, मतलब यदि यह कोई सांप आपको काट लेता है तो आप प्राथमिक उपचार क्या देंगे, तो कहें काटे वाले स्थान के ऊपर कौन सा चीज कसकर बांध देंगे, कोई भी ना कोई चीज उसको बांध देंगे, ठीक है, और उसके बाद में कह रहा है चीरा लगाकर रक्त बाहर निकालेंगे, चीरा लगाकर रक्त को बाहर निकालेंगे, साथ ही साथ तुरंत एंटी वेनमन, कह सकते हैं वेनम, एंटी वेनम जो होता है टीका, उसका व्यवस्था करेंगे, एंटी वेनम टीका को याद रख लेना, सांप के कटे हुए को एंटी वेनम टीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बे एंटी वे नम याद रखना, एंटी वे नम टीके का इस्तेमाल करते हैं। चलो यहाँ छोड़ दीजिए इसको, चलो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ कह रहा है चोटिल स्थान पर ठंडी विधि का प्रयोग करने से रक्त नलिका में क्या परिवर्तन होता है, तो आप हो गए जो सुकड़न आ जाती है, क्या हो जाती है बेटा, सुकड़न आ जाती है। चलो तो छोड़िए सबको, बाकी आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। कह रहा है जिसमें पेशी ऐड जाती है, ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। क्रमिक विधि से श्वास कब देते हैं, तो आप होंगे उपरोक्त सभी में देते हैं, दम घुटने पर क्रमिक रूप से हम लोग श्वास लेते हैं, जल में डूबने पर देते हैं, और साथ ही साथ फंदा लगने पर देते हैं, कोई फांसी वगैरह लगा लेता है तो क्रमिक रूप से उसको सांस देते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। 30 यूनिट आपके सामने आ चुकी है, और इसमें हम देखने वाले हैं डॉप का अर्थ क्या होता है, शारीरिक तंबाकू धूम्रपान के खराब क्या क्या उपयोग देखने को मिलते हैं। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन बोला गया है एस्टेरॉइड का प्रयोग होता है, आप मुझे डोपिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए डोपिंग कहलाता है, डोपिंग क्या कहलाता है, डोपिंग क्या कहलाता है, नशा करने का तरीका डोपिंग कहलाता है, ठीक है, डोपिंग क्या कहलाता है, नशा करने का तरीकों को डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। और ड्रग्स की यदि बात करें, ड्रग्स ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स जो बोलते हैं ड्रग्स बोलेंगे, ठीक है, ड्रग्स जो होता है वो औषधि होती है, ठीक है, ड्रग्स। चलो
नहीं होती, वो औषधि होती है। ड्रॉपिंग परीक्षण की जांच की जाती है रक्त और मूत्र से, ये द्वारा की जाती है ड्रॉपिंग के परीक्षण। ठीक है, ड्रॉपिंग से खिलाड़ी को क्या लाभ होता है? शारीरिक शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, शारीरिक शक्ति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है ड्रॉपिंग से। यहां बोला गया है ड्रॉपिंग क्या होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, नशा वाला जो नशे करते हैं उसको ड्रॉपिंग बोला जाता है। यहां देखो मैं ऊपर बता चुका हूं, देखो कह रहा है खेलों में ड्रॉपिंग के प्रयोग का कारण आत्मविश्वास की कमी है, मतलब आपको आत्मविश्वास नहीं है तो आप ड्रॉपिंग करके खेल सकते हैं। यहां कह रहा है मादक द्रव्य के सेवन से खतरा होता है, मादक द्रव्य के जो सेवन से खतरा होता है वो होता है स्वास्थ्य को और अधिक खेल। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को लॉक करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ बोला गया तीव्र मादक पदार्थ होता है, कोकेन एक तीव्र मादक पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ देखिए को कह सकते हैं कैफीन पाया जाता है, चाय में कैफीन पाया जाता है सभी को पता होगा। चलो नशीले पदार्थ को किस भाग में सर्वाधिक प्रभाव डालता है, तो वो पाया जाता है स्थानीय केंद्रीय प्रणाली में सबसे ज्यादा। ठीक है, स्थानीय केंद्र प्रणाली होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। यहाँ देखिए नार्कोटिक्स क्या है, नार्कोटिक्स क्या है वो देख, एक क्या कह सकते हैं नशीला पदार्थ होता है, कह सकते हैं नशीला पदार्थ होता है नार्कोटिक्स। इसको देखिए चाय कॉफी कोला में पाए जाने वाला नशीला पदार्थ होता है, चाय कॉफी कोला में पाए जाने वाला होता है, चाय और कॉफी में जो होता है वो कोकेन पाया जाता है, कोफिन। सबसे खतरनाक कह सकते हैं साइकोट्रॉपिक औषधि होती है वो होती है, सबसे खतरनाक जो होती है वो होती है हीरोइन। हीरोइन जो होते हैं ना, हीरोइन कहते हैं जो सफेद कलर की होती है हीरोइन, वो सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, साइकोट्रॉपिक ट्रॉपिक बोलते हैं इसको, औषधि होती है सबसे खतरनाक जिसमें सबसे ज़्यादा नशा होता है। ठीक है, और नार्कोटिक्स का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है, सबसे ऐसे सूंघ देना ये वाला आँखें चढ़ा देते हैं वो वाला, आपने देखा होगा मूवी में। ठीक है, बैग वगैरह तो होती है ना, पाउडर होता है ना पाउडर, वो हीरोइन बोलते हैं उसको। यहाँ कह रहा है खिलाड़ी नशा क्यों करते हैं, खिलाड़ी नशा क्यों करते हैं, तो क्या आप हो गए थकान कम करने के लिए खिलाड़ी नशा करते हैं, थकान कम करने के लिए। यहाँ का निम्न से कौन सी नशीली दवाई नहीं है, तो आप कहोगे जो नशीली दवाई है देखो मॉर्फिन भी नशीली दवाई होती है, एंटीमाइट कह सकते हैं, एम्फीटामाइट भी आपकी नशीली होती है, लेकिन जो आप देख रहे हैं चैमन प्रांस ये क्या, चैमन प्रांस होता है, चैमन प्रांस बोला गया है, ये औषधि होती है, मतलब नशीली दवाई नहीं होती चैमन प्रांस। ठीक है, इस प्रकार बोला गया चैमन कह सकते हैं चैमन प्रांस। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, च्यवनप्राश जो ताकत के लिए यूज किया जाता है। यहाँ कह रहा है देखो धूम्रपान में उपस्थित निकोटीन के संस्थान को उत्तेजित करता है, तो आप कहोगे स्थान को उत्तेजित करता है, ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को क्या बीमारी हो जाती है, तो आपको उपरोक्त में से कोई बीमारी, उपरोक्त सभी बीमारी हो जाती है धूम्रपान करता है, तो आप देखो कह रहा है दांतों को क्षति पहुंचती है, सांस फड़ने लगती है और साथ ही साथ दृढ़ शक्ति खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि गिसरिट में कितने प्रतिशत जो सिगरेट होती है आपकी, सिगरेट के अंदर कितने प्रतिशत निकोटीन पाया जाता है, तो 1.2% निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट पीने वाले सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। और यहाँ बोला गया है तंबाकू के सेवन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है धूम्रपान से फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है फेफड़ों के ऊतक नष्ट हो जाते हैं, चलो फेफड़ों के ऊतक नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन धूम्रपान का कारण क्या होता है, इनमें ये सभी होते हैं। ठीक है, आनंद के लिए वो लेते हैं, कोई शौकिया जो शौकिया होते हैं वो करते हैं, और अनुसंध दर्शन के लिए भी ये लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन निकोटीन पाया जाता है, आपको तंबाकू पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, निकोटीन होता है, आपको पता होगा। धूम्रपान से शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, उपरोक्त सभी, श्वसन तंत्र का और परिवहन तत्व के बारे में या परिसंचरण तंत्र होता है वो सबको प्रभावित करता है, उपरोक्त सभी राइट होगा। धूम्रपान की हानि होता है कैंसर, ठीक है, धूम्रपान से हानि क्या होता है कैंसर, कैंसर हो जाता है धूम्रपान करने से। अल्कोहल को तकनीक शब्दों में रखा गया है, तो एथेनॉल में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल सेवन का कारण क्या होता है, बोधा निमित्त सभी, अल्कोहल जैसे कि बोल सकते हैं कि मानसिक स्थिति के लिए भी और कह सकते हैं आधुनिक जवानता होती है उसके बारे में अल्कोहल सेवन का कारण होता है, और साथ ही साथ शारीरिक थकावट जो होती है उसके लिए लोग यूज करते हैं अल्कोहल का, जैसे शराब वगैरह का। यहाँ बोला गया अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H2O5, चलो OH, ठीक है C2H5OH, ये होता है अल्कोहल का सूत्र। चलते हैं अफीम के प्रयोग से क्या होता है, अफीम के प्रयोग आप जानते हैं तो क्या हो सकता है, अफीम से क्या होता है, नींद बहुत आती है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया परम सत्ता से। समान ज्ञान आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए, आप देख सकते हैं
अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या क्वेश्चन देखिए, क्षय रोग होता है तो क्षय रोग जीवाणु के कारण हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, संक्रमण रोग प्रवास होता है वायु द्वारा हो जाता है, खसरा रोग का प्रसार होता है वायु द्वारा, खसरा रोग फैलता है। साथ ही साथ देखो यहाँ बोला गया है किस रोग में व्यक्ति को मतलब पानी से डरने लगता है, तो रेबीज जो होता है मतलब जो कुत्ता काट लेता है रेबीज जो वायरस के अंदर, तो पानी से डरने लगता लगा डर लगता है। और साथ ही साथ बोला गया है विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, वो जो पोलिया होता है वो विषाणु से होने वाला रोग है। यहाँ बोला गया है शरीर की गर्मी हमेशा रहती है, तो शरीर की गर्मी हमेशा जो रहती है वो 37 डिग्री सेल्सियस 37 से 37 डिग्री सेल्सियस रहती है। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, तो जो आप देख रहे हैं एन्फ्लुएंजा जो जीवाणु जनित रोग होता है एन्फ्लुएंजा, यहाँ बोला गया है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ बोला गया है जीवाधारी का विकास और वृद्धि होती है, तो आप हो गए समसूत्री विभाजन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर को कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है, वो होता है कैंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है चोट लगने पर रक्त प्रवाह नहीं जमता, तो हीमोग्लोबिन के कारण नहीं जमता है, मतलब बोलता है ना विटामिन के में आ जाते हैं वही। ठीक है, यहाँ कह रहा है वह परजीवी कौन सा है, जो कि वह परजीवी आप देख सकते हैं, और बाकी हम नीचे देखते हैं क्वेश्चनों को, ये देख सकते हैं। देखो यहाँ बोला गया है भरतपुर पक्षी बिहार निम्न से कहाँ स्थित है, राजस्थान में। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सालय के प्रणा कौन थे, तो सुश्रुत थे। और खिलाड़ी के बीच प्रेस्ट्रोशन का कारण क्या था, तो आप हो गए खराब प्रदर्शन का परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विश्व, यहाँ बोला गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को 1948 में बताया। यूरिया का संश्लेषण होता है गुर्दे में। बालक का विकास नहीं हो पाता, तो आप हो गए संक्रमण रोग के कारण नहीं हो पाता। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, वो होता है चारों ओर से ढकने वाला। प्राथमिक एशियन खेल कहां पर आयोजित किए गए, भारत में नई दिल्ली में किए गए थे। ये कुछ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां बोला गया है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित था, तो आप बोगे ये बैडमिंटन से संबंधित था। मिल्खा सिंह किससे थे, आप जानते हैं मिल्खा सिंह को बोलते हैं, मिल्खा सिंह संबंधित है किससे, एथलेट से संबंधित थे, हॉकी जिसे ये दौड़े नहीं होती रनिंग वाली से एथलेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे संबंधित है हॉकी से, ये होगा एथलेट्स मतलब कि ये रनिंग से मतलब दौड़ से। ठीक है, हाँ यह बोला गया मिल्खा सिंह को बोला जाता है सिख। ठीक है, इसको देखेंगे। यहाँ बोला गया है नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेहरू स्टेडियम की बात करें दिल्ली में है। और क्वेश्चनों को देखिए यहाँ जो पूछे गए, भारत उड़न सिख देखो कैसे बोला जाता है, तो मिल्खा सिंह को बोला जाता है उड़न सिख बोलते हैं इसको। प्राचीन ओलंपिक खेल अभिनेता को निम्न क्या नाम से बुलाया जाता था, तो जैतून के पत्तों को उनको ताज पहनाया जाता था प्राचीन लोगों, मैंने ऊपर बताया था आपको। नेशनल फॉर फिजिकल एजुकेशन और रिकॉग्निशन कहाँ स्थित है, आपको बताया। ठीक है, तैयार किया गया, तो आप जानते ऑफ इंडिया, आप जानते हैं ऑल इंडिया जो काउंसिल ऑफ स्टाफ उसमें किया गया था। ठीक है, और यहाँ आप स्पोर्ट एंड एजुकेशन इंडिया की बात करें, कहाँ कौन सा विश्वविद्यालय है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो आपको गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। निम्न से कौन सा प्राणायाम कह सकते हैं अंग नहीं है, तो आपको पुष्कर है, तो प्राण का अंग नहीं है। नेक्स्ट बोला है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आपको कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करें एक बार, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो आप 1991-1992 में हुआ था। WHO का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, देख सकते हैं। उसके बाद उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों का सबसे सर्वोच्च खेल उपलब्ध पुरस्कार कहाँ है, तो आप हो गए अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे। प्रसिद्ध इंडन गार्ड स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। यहाँ बोला गया है एशियाई खेलों का नियंत्रण रखने वाला संस्था है, तो आप कहोगे वो है IOA। ठीक है, यहाँ बोला गया है एथलीट फुट क्या होता है, ये बीमारी होती है, याद रखिए एथलीट फुट जो होती है बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी का कारण क्या होता है, फंगस होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, HIV/AIDS के कारण होता है। एड्स का उपचार कह सकते हैं जानकारी ही बचाव है, कह सकते हैं जानकारी ही बचाव है, मतलब कह सकते हैं कि जो एड्स का उपचार है वो जानकारी ही बचाव है, आप जानकारी है तो बचाव मतलब उसको सबसे बढ़िया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, उसको ही एड्स बच सकता है बाकी कोई नहीं है, तो आप जानते हो। तो यहाँ कह रहा है देखो 66 क्वेश्चन है, उस गति को किस नाम से जाना जाता है,
जो बैट से मारने पर गेंद को गति देता है उसे प्रक्षेप गति बोला जाता है। मतलब उधर से बॉल आई, इधर से मार दी, तो प्रक्षेप गति की बात करेंगे। कौन सा रोग जीवाणु के कारण द्वारा नहीं होता है? तो आप देख सकते हैं पोलिया, पोलिया तो सब होता है, लेकिन जो प्लेलाग्रा होता है वो रोग नहीं होता है। ठीक है, यहां देखिए रक्त संचरण बढ़ जाता है, ए और बी दोनों, ठंडी विधि और गर्म विधि दोनों में बढ़ जाता है। चलो और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन सी, कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर देखो, अंडाशय को करते हैं, वर्तिका को करते हैं और वर्तग्राप को करते हैं, वर्तकाग्र। ठीक है, यहाँ कह रहा है गोबर गैस के मुख्य रूप से शामिल होता है वो मेथेन होता है, सबसे ज्यादा मेथेन गैस होती है गोबर गैस में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया श्रृंखला खाद्य श्रृंखला में होता है, तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी शंकु को जो सदैव खड़ा रहता है तो वो रहता है ऊर्जा शंकु, सबसे ज्यादा खड़ा रहता है। ठीक है, जिस कह रहा है जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं उसे पराग कहते हैं, और बाकी तो आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेल्सिन हेतु किया जाता है? तो आप ग्रेफाइट, तो पेल्सिन के अंदर तो प्रयोग किया जाता है, हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो वो ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है, काला काला जो होता है पेल्सिन के नीचे अंदर होता भरा हुआ। ठीक है, इसमें देख लीजिए मनुष्य में कितने अवशेषित अंग पाए जाते हैं? तो एक मतलब 100 पाए जाते हैं। पृथक्करण के नियम आपसे बोला गया किसके द्वारा प्रतिपादित किए थे? मेंडल के नाम पृथक्करण के नियम दिए थे। और भारत सरकार ने वन जीव सुरक्षा एक्ट कब लागू किया था? तो 1972 में किया था। वन्य जीव के घटने का कारण क्या था? तो कह सकते हैं वास स्थान का प्राप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही पाचन तंत्र श्रृंखला है, तो वो आपको हो गए पहले अंतर्ग्रहण करना, फिर पाचन करना, फिर अवशोषण करना, फिर स्वयंकरण करना, फिर मल त्याग करना। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को बात करेंगे। अपघटन के सम्मिलित होते हैं आप होंगे जीवाणु होते हैं। अपघटन में जो सम्मिलित करते हैं वो कौन करते हैं? तो आप होंगे वो जीवाणु करते हैं। यहाँ कह रहा है बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है? तो आपको में वायुमंडल की आपदा के अंतर्गत आता है। और सभी लोग एक बार नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, 1828 के किस महा समाज की स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय ने के द्वारा की गई थी बृहद समाज की स्थापना। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ बोला गया है दूध को मैथेन से क्रीम के क्रीम से अलग करने का कारण क्या होता है? वो होता है अपकेंद्र बल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट भैया खत्म हो गया, यही था बस। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और सभी लोग नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।